तो चलिए देखते हैं MIUI U21.9.1 का रिव्यू पोको X2 पे। तो बढ़ते हैं अबाउट फोन पर। देखिए माई डिवाइस में और MIUI वर्जन में, देखिए इसमें आपको MIUI 12.6 21.9.1 मिलता है। और वर्ड्स में देखेंगे और वर्ड्स न्यू, तो देखिए इस बार बहुत चेंजेस है। तो पहला फीचर मतलब अभी आप बैकअप सेटिंग में जाके इमेजेस वीडियोस फोटोज को बैकअप कर सकते हैं। फिर अगला मतलब ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस के लिए सितंबर का अपडेट आ चुका है, मतलब सितंबर का सिक्योरिटी अपडेट। अगला मतलब कंट्रोल सेंटर में मीडिया कंट्रोल नोटिफिकेशन के लिए नया लेआउट ऐड किया। फिर अगला मतलब सिक्योरिटी टैब में अगर आपको यूटिलिटी टैब को एक्सेस करना है तो आप स्वाइप अप करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सिक्योरिटी में तो अगर आपको यूटिलिटी टैब को एक्सेस करना है तो देखिए यहाँ पे आइए और स्वाइप अप करेंगे तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अगला मतलब MI वीडियो में अभी डार्क मोड स्विच को ऐड किया है और डाउनलोड के लिए सेपरेट टैब को ऐड किया है। फिर अगला मतलब मेल का और शॉमी क्लाउड का UI चेंज किया है। और नीचे वार्निंग मतलब MI 10T प्रो डिवाइस के लिए कैमरा प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो बढ़ता है फीचर्स की ओर। तो देखिए नीचे डिवाइस में आपको रेड मैकेनेटिक दिखाता है, ये जाने के रूम, इसलिए देखिए वॉस्पेक्स में जाएंगे। और नीचे देखिए इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट सितंबर के मिलते हैं। देखिए 1921, देखिए सिम कार्ड्स में और जियो में। नीचे देखिए इसमें आपको वर्ल्ड मिलता है और देखिए वर्ल्ड काम करता है। कनेक्शन शेयरिंग में देखिए इसमें आपको MIUI+ बटन मिलता है, इसमें आपको स्कैनर मिलता है। देखिए स्कैनर में आपको एग्री करेंगे और अलाउ करेंगे तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट मिलता है। तो डॉक्यूमेंट में जाके आप सिंगल पेजेस या मल्टी पेजेस को स्कैन कर सकते हैं। और QR कोड में ऑफ कोर्स आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। फिर नीचे आपको MS शेयर का प्रिंटिंग भी पेन से मिलता है। नीचे आपको NFC मिलता है पर हमारे डिवाइस पर कोई X2 है इसलिए इसमें NFC काम नहीं करता। नीचे आपको सीधा ऑप्शन मिलता है मतलब क्रोमबुक नियर शेयर एक्सेट्रा। वॉलपेपर में देखिए इसमें आप होम स्क्रीन का और लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर लगा सकते हैं। देखिए क्लॉक लेआउट में इसमें आप लॉक स्क्रीन क्लॉक लेआउट को लगा सकते हैं। और नीचे आपको ओन इन्फो मिलता है आइकन्स में और स्टाइल में। देखिए इसमें आपको चार थीम मिलता है मतलब डिफॉल्ट क्लासिक रोडियम और लिमिटलेस। तो इसमें आप आइकॉन स्टाइल और आइकॉन साइज को लगा सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट में इसमें आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर में इसमें आप मंचा वॉलपेपर लगा सकते हैं। नीचे आपको सुपर वॉलपेपर मिलता है पर कभी कभी बहुत लैग करता है। फिर नीचे आपको रिंग टोन नोटिफिकेशन और अलर्ट ऑप्शन मिलता है थीम्स में और माई थीम्स में। देखिए इसमें आपको अबाउट डिफॉल्ट चार थीम मिलता है मतलब डिफॉल्ट क्लासिक रोडियम और लिमिटलेस। और आप 5 नंबर जाके और थीम्स को ऐड कर सकते हैं थीम स्टोर से। लॉक स्क्रीन में इसमें आपको स्लीप रेस्ट वेक डिवाइड टू वेक स्लीप वेक लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन परमानेंट एक्सेस मिलता है। रिलायंस फ्रमा में एग्री करेंगे इसे और इसे ऑन करेंगे तो इसमें आपको स्लाइड सेटिंग मिलते हैं। देखिए इसमें आपको लॉक स्क्रीन स्लाइड शो होम स्क्रीन स्लाइड शो अपडेट फ्रीक्वेंसी अपडेट ऑर्डर ऐसे मिलता है। फिर नीचे आपको चार जगह कनेक्शन मिलता है। देखिए इसमें आपको ऑफ लो ग्लो या वे मिलता है। डिस्प्ले में इसमें आपको लाइट मोड और डार्क मोड मिलता है। डार्क मोड ऑप्शन में इसमें आपको एडजस्ट वॉलपेपर और एडजस्ट टेक्स्ट इन बैकग्राउंड फॉर डार्क मोड मिलता है। ब्राइटनेस लेवल में देखिए इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस और सनलाइट मोड मिलता है। रिफ्रेश रेट में इसमें आप रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं मतलब 60 Hz से 120 Hz। साउंड में इसमें आप मीडिया साउंड को सेट कर सकते हैं। नीचे आपको साउंड इफेक्ट मिलता है। देखिए इसमें आपको हाईफाई ऑडियो एडजस्ट साउंड टू ईयर फोन इक्वलाइजर और वॉल्यूम एडजस्ट मिलता है पर यह ऑप्शन हेडफोन कनेक्ट करने पर ऑन होते हैं। नोटिफिकेशन में देखिए इसमें आपको शेयर मिलता है तो इसमें आपको एक्सपर्ट नोटिफिकेशन और वेदर इन्फो मिलता है। कंट्रोल सेंटर में देखिए इसमें आपको ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन मिलता है। देखिए ओल्ड वर्जन मतलब देखिए वाला और न्यू वर्जन मतलब देखिए वाला। स्टेटस बार में इसमें आपको शो नोटिफिकेशन आइकॉन्स यूज ऐप आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन शो LTE फॉर 4G शो कनेक्शन स्पीड शो करियर लेबल एडिट करियर लेबल बैटरी इंडिकेटर हाइड नॉइस मिलता है। होम स्क्रीन में इसमें आपको लॉन्चर मिलता है। नेविगेशन में इसमें आपको बटन्स और जेस्चर मिलते हैं। होम स्क्रीन में इसमें आपको क्लासिक और विद ऐप ड्रावर मिलता है। विद ऐप ड्रावर में नीचे आपको एप्लीकेशंस मैनेज ऐप कैटेगरीज बैकग्राउंड से मिलता है। देखिए बैकग्राउंड में इसमें आपको थीम और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंस मिलता है।
स्क्रॉल बार में। इसमें आपको ओरिजिनल और एडिटेड मिलता है, और लास्ट में आपको प्ले न्यू ऐप और होम स्क्रीन मिलता है। माइनस स्क्रीन में इसमें आपको ऐप वॉल्ट गोल्ड डिस्कवर या नाम मिलता है। देखिए माइनस स्क्रीन मतलब देखिए वाला। फिर नीचे आपको होम स्क्रीन सर्च बार, सर्वर प्रोवाइडर, डिवाइस टू स्लीप, फिर सेल्स ऑफ इंस्टॉल ऐप, लॉक होम स्क्रीन लेआउट, आइकन्स, ये सब मिलता है। पासवर्ड में देखिए इसमें आपको स्क्रीन और फिंगरप्रिंट और फेस वाला मिलता है, और सब परफेक्टली काम करता है। ठीक है फिंगरप्रिंट में और पेमेंट्स में, तो यहाँ पे आपको एलोन मिलता है। तो अगर आपका एलोन काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आइए और सर्टिफिकेट पर टैप कीजिए, तो आपका एलोन अपडेट हो जाएगा। एडिट सेटिंग में, शॉर्टकट्स में, तो यहाँ पे आपको लॉन्च गोल असिस्टेंट, ठीक है स्क्रीन शॉट, पास स्क्रीन शॉट, लॉन्च कैमरा और टर्न ऑन टॉर्च मिलता है। नीचे आपको एलईडी लाइट, क्विक बॉल, वन हैंड वोड, ये सब मिलता है। मुझे इस रूम की एक बात और अच्छी लगती है, इसमें कोई ब्लॉटर नहीं है, मतलब कोई ब्लॉटर नहीं, कोई चेंजेस ऐप नहीं। देखिए सारे ऐप मैंने इंस्टॉल किया, और इसमें आपको प्ले स्टोर इनबिल्ट मिलता है। तो प्ले स्टोर में और सेटिंग्स में, अबाउट में, देखिए लास्ट में डिवाइस सर्टिफाइड है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि इवन स्कोर क्या मिलता है। तो इसमें आपको सिंगल स्कोर 423 मिलता है, और मल्टी का स्कोर 1616 मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें सेफ्टी नेट काम करते हैं। तो सेफ्टी नेट और रन टेस्ट, देखिए फील्ड है DRM इन्फो में, और नीचे देखिए एलवन काम कर रहे हैं। तो चलिए इस रूम की सीपी थ्रॉटलिंग देखते हैं। तो देखिए इसमें सीपी थ्रॉटलिंग आपको 90% मिलते हैं, और आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो चलिए इस रूम की चार्जिंग स्पीड देखते हैं। तो देखिए मैक्सिमम इसमें आपको 2820 mAh का स्पीड मिलता है। तो इसमें आपको स्टॉक MIUI कैमरा मिलता है, और ये परफेक्टली काम करता है। देखे तो चलिए देखते हैं इसमें कॉल्स काम करते हैं। वेलकम टू जियो, मराठी मध्ये सालों ठेवण्या करिता एक दाबा, हिंदी में जारी रखने के लिए दो दबाए, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 3। देखिए कॉल्स काम करते हैं और वो बहुत स्मूथ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What just happened?